मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अच्छे हो गए आप लोग। ओके, हम लोग सुनो, मैं कौन सा पार्ट ले रहा था आपका? पेपर 3 लॉ पार्ट। ओके, व्हाट इज द पेपर? फंडामेंटल्स ऑफ लॉस एंड एथिक्स। हमको दो चीज पढ़ना था, फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉस एंड फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स। फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स में क्या क्या, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ लॉ में हमको क्या क्या पढ़ना था? तीन चीज और तीन चैप्टर पढ़वाना था। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड वन इज What? Sales of Goods Act 1930, next one is Negotiable Instrument Act 1881. हम लोग क्या शुरू करवाए थे? क्या शुरू करवाए थे? Contract, Indian Contract Act 1872. उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पहले हम लोग पढ़े थे law का मतलब क्या होता है, Indian word, why Indian word is used. Next one हम derive क्या किए थे? Contract word. आज का class बहुत important है, थोड़ा अच्छे से सुनो. First one हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट इज पर सेक्शन 2H क्या है था? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, सो द वर्ड एग्रीमेंट इज फोकस्ड। तो फिर हम लोग क्या पढ़े? एग्रीमेंट सेक्शन कौन सा था? ये था 2H। एग्रीमेंट में क्या पढ़े? व्हेन वन प्रॉमिस इज फॉर्मिंग एनफोर्सेबल बाय कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? तो हम यहां दो वर्ड पढ़े थे, वन इज प्रॉमिस, सेकंड वन इज कंसीडरेशन। क्या था? व्हेन प्रॉमिस और सेट अप प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तभी क्या होता था? एग्रीमेंट होता था। तभी तो मेरा क्या आएगा? प्रॉमिस। सेक्शन क्या था? टू बी। नेक्स्ट वन क्या था? एग्री, सॉरी, नेक्स्ट वन क्या था? कंसीडरेशन। सेक्शन क्या था? फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था रे? व्हेन एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो तभी वर्ड मेरा क्या आया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या था? व्हेन प्रॉमिस एंड सेट अप प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। फिर से दो वर्ड क्या आ गया? वन इज प्रॉमिस, सेकंड वन इज कंसीडरेशन। प्रॉमिस का मतलब क्या था रे? व्हेन एन ऑफर or an proposal is accepted, then it is known as promise. तो अभी मेरा new word क्या आ गया? Offer or proposal. Section क्या है रे? 2A. Okay. अभी offer and proposal पढ़ने के बाद और एक section हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? 2C. हम promisor and प्रॉमिसी, हमको इतना चीज आज ओवरलुक करेंगे, अच्छे से पढ़वाएंगे। मैंने कल डेफिनेशन बताया था, एकदम क्लैरिफाई होके नहीं बोला था, एकदम ये चीज हमको क्लैरिफाई होके बोलना पड़ेगा। फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन क्या है? सेक्शन 2A में लिखा है ऑफर और प्रपोजल। मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं, ए, मिस्टर ए ऑफर्स, Mr. A offers to sell his car to Mr. B. Mr. A offers to sell his car to Mr. B. Mr. A ने क्या बोला कि मैं Mr. B को तुमको कार सेल करवाना चाहता हूं। This is an offer. When offer का definition क्या था? When one person signifies his interest to do or abstain from doing anything. फिर से बोल रहा हूं, offer or proposal का definition क्या था? ये बोला था when one person signifies his assent to know the assent of the other party. एक लोग क्या कर रहा है? Mr. A, Mr. B को एक चीज बता रहा है, whether you are interested on that or not. मुझे बताओ तुम interested हो या ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं offer. तो इधर क्या बोल रहा है? Mr. A, Mr. B को कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? Whether you are interested on my car or not, मुझे बताओ। फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज, ऑफर का डेफिनेशन क्या था रे? ये बोल रहा है when one person signifies his assent to another,
फॉर नोइंग दी प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस. ये क्या बोल रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला मैं मेरा कार सेल करने के लिए इच्छा है, मैं चाह रहा हूं, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट. दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी. ओके क्लियर, दिस वन इज ऑफर. फिर इसको कंटिन्यू करता हूं, फॉर रुपीज 1 lakh. समझ में आ रहा है. सो दिस सेल दिस वन इज consideration Mr. A and Mr. B. Mr. A is offerer. Mr. B अगर सुनो, ये हो गया offerer. A offer कर रहा है Mr. B को. Next sentence में लिख रहा हूं, if B accepts that offer then it is an promise. फिर से बोल रहा हूं सुनो, offer जब accept हो रहा है तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, promise. Okay, अच्छे से ये rupees 1 lakh छोड़ दो, बाद में हम लोग लिखते हैं, पहले हम offer और acceptance का बात करेंगे. मिस्टर ए ने बोला कि भाई तू मेरा गाड़ी खरीदेगा क्या, ये बोल रहा है खरीदूंगा पर कितना चाहिए. फिर बोला मिस्टर बी एक्सेप्ट्स दैट ऑफर देन इट इज एन प्रॉमिस हैविंग कंसीडरेशन ऑफ रुपीस 1 lakh. फिर से बोल रहा हूं, ऑफर प्लस ऑफर जब आएगा एक्सेप्टेंस आएगा तभी मेरा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इज एन कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है. तो प्रॉमिस फॉर्मूला क्या था मेरा एग्रीमेंट का, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस. प्रॉमिस होने के लिए मुझे क्या चाहिए था, व्हेन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर देन इट इज एन एग्रीमेंट. तो पहले मेरा था ऑफर, ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया तब मेरा क्या हो गया, प्रॉमिस. प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ये दोनों मिल जाने से मेरा क्या आ गया, एग्रीमेंट. ओके समझ में आ रहा है. जब मेरा एग्रीमेंट एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करेगा तब भी इसको हम लोग क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. समझ में आ रहा है. मैं इसको मिटाता हूं फिर अच्छे से लिखता हूं. देखो क्या क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखो. हाँ कहां से कहां तक, हमारा जो वर्ड मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में नीचे आना पड़ेगा, पढ़ते वक्त ऊपर से जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाओ. पहले क्या बोल रहा है देखो, मेरे पास क्या था रे, ऑफर था. ऑफर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है तभी क्या हो गया, प्रॉमिस. ए ने सोचा था मैं बी को 1 lakh में कार देना चाहता हूं, तो अभी क्या हुआ, ए ने इसको बोल दिया, ए ने बी ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट करवा दिया. बी ने जब एक्सेप्ट करवा दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, प्रॉमिस. प्रॉमिस प्लस जब पैसा दे दिया, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या क्या है रे, वन इज कार, सेकंड वन इज 1 lakh. मतलब ए क्या कर रहा है, कार दे रहा है, ये किसका क्या दे रहा है, ऑफर ये कर रहा है, 1 lakh दे रहा है. अच्छे से देखो, ये सोच लो ऑफर ए, ये हो गया बी. ए क्या कर रहा है, बी को कार दे रहा है, मतलब बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा कार, मतलब बी का कंसिडरेशन हो गया कार. समझ में आ रहा है. ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा रुपीस 1 lakh, ए का कंसिडरेशन हो गया 1 lakh. फिर से बोल रहा हूं अच्छे से सुनो. फर्स्ट वन इज ऑफर, सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस. ए ने बोला तू भाई मेरा कार ले ले, तू मुझे कितना रुपया दे, 1 lakh दे. तो जब कार लेगा, बी का अमाउंट जो, बी का क्या है कंसीडरेशन, बी को जो मिलेगा उसका कंसीडरेशन वो है. बी को क्या मिलेगा, कार मिलेगा, कार हो गया कंसीडरेशन. ए को क्या मिलेगा, 1 lakh मिलेगा, इसीलिए ए का 1 lakh क्या हो गया, कंसीडरेशन. तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब मिल गया तभी मेरा क्या हो गया, प्रॉमिस. प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन,
कार किसने ले लिया? बी ने ले लिया, 1 लाख बाप एक्सेप्टेंस। ये 1 लाख किसको मिलेगा? ऑफर को मिलेगा। तभी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेरा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? प्लस प्लस लीगल रिलेशनशिप। फिर से बोल रहा हूं, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट जब एक लीगल रिलेशनशिप होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर। जब ए ने बोला मैं तुझे कार दे रहा हूं, तू मुझे 1 लाख दे, प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस के बाद कार और 1 लाख फिक्स हो गया, कंसिडरेशन। प्रॉमिस और कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशनशिप? लीगल रिलेशनशिप इज नथिंग बट व्हेन इन द आई ऑफ लॉ द रिलेशनशिप इट इज डन बाय एनी लीगल प्रोसीजर्स और एनी वेनी वैलिड प्रपोजल्स। मतलब तुम्हारा जो कंसिडरेशन है, मैं अगर कार ले रहा हूं ये एक लीगल चीज है, 1 लाख दे रहा हूं ये भी एक लीगल चीज है, दोनों जब लीगल हो गया दिस इज द रीजन लीगल रिलेशनशिप। मैं एक गन लाऊंगा, किसी को बेचूंगा, मैं गन लाके उसको बोलूंगा भाई तू मेरा गन ले ले, तू मेरा 5000 मुझे दे दे, इट इज नॉट एन लीगल रिलेशनशिप बिकॉज गन इज नॉट ए नॉर्मल गुड्स, गन इज एन स्मगल्ड गुड्स। स्मगल का मतलब क्या होता है रे? ये हमारा रोज का मतलब बिजनेस है। वो क्या करते हैं जब गंदा आदमी बुरा आदमी ये लोग बिजनेस करवाते हैं, because gun is not allowed in India, ये valid business नहीं, in case of law it is not an valid good, इसीलिए क्या बोल रहा है? smuggled goods है। इसीलिए when there is a two legal relationship, अगर ये जो consideration legal relationship नहीं है और ये illegal हो या ये illegal हो, दोनों में से कोई एक भी चीज illegal हो गया तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? illegal relationship, तभी contract नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर the concept और objective, इसको हम बोलते हैं generally objective of the contract, this one is consideration of the contract, but carry is in consideration for B, 1 lakh is consideration for A, इसीलिए क्या बोल रहा है? offer plus acceptance, promise, promise plus consideration, agreement, agreement plus legal relationship, contract। अभी ये क्या हो गया? section 2H में mention है, ये कहां एग्रीमेंट मेंशन है? 2A में, कंसीडरेशन 2D में, प्रॉमिस और प्रॉमिसी 2C, ये हो गया 2B, ये हो गया 2A, A B C D E ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2H। समझ में आ गया? तभी हम लोग जब डेफिनेशन पढ़े, पहले क्या पढ़े? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में क्या आया? व्हेन एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इन कॉन्ट्रैक्ट। When an agreement enforceable by law, contract का मतलब क्या है? Agreement plus legal relationship. So that contract means an agreement enforceable by law is a contract. फिर agreement का मतलब क्या है? When promise or set of promise forming consideration for each other, promise plus consideration. That is when promise and set of promise forming consideration is an agreement. Promise का मतलब क्या होगा? When offer is accepted, it become promise. Okay, good. फटाफट देखते हैं। When offer is accepted, it become promise. When promise or set of promise forming consideration, it is an agreement. An agreement enforceable by law is a contract. फिर से बोल रहा हूँ, important चीज़ है। When offer is accepted, it becomes promise. When promise is forming, when promise or set of promise, एक चीज प्रॉमिस हो और कुछ सेट प्रॉमिस हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन प्रॉमिस और सेट अ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। व्हेन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? फटाफट इस सीरीज को नोट आउट करवाओ। ओके, इतना आप लोग खत्म हो गया इतना लिखना। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वर्चुअल फेस है एकदम डिजिटल मेथड में, हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे हमारे पढ़ाई। ओके, एक मिनट में मिलते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं हम लोग क्या। पहले सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? सेक्शन 1 इज हमारा एक्ट का नाम क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब से एनफोर्सेबल हुआ था, ये सब चीज पढ़े थे। सेक्शन इज
नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट टू हिच एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इन कॉन्ट्रैक्ट देन क्या आ गया एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर नेक्स्ट वन प्रॉमिस ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस इन सिंपल वर्ड्स व्हेन ए ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस मतलब जो ऑफर इसने दिया था इसने एक्सेप्टेंस करवा दिया फिर बात खत्म ऑफर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर मैंने बताया था जब एक आदमी और किसी को बताता है इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन माई प्रोडक्ट मुझे व्यू दो अगर वो यस बोल रहा है तो ऑफर एक्सेप्टेड हो गया व्हेन ऑफर एक्सेप्टेंस इज देयर इट बिकम्स प्रॉमिस ओके व्हेन प्रॉमिस आर सेट अप प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन देन इट बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट ओके नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो प्रॉमिस प्रॉमिस ही हम लोग पढ़े थे प्रॉमिसर कौन है जो ऑफर दे रहा है दिस वन इज प्रॉमिसर व्हेन एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया प्रॉमिसी ये वाला देखो ये क्या कर रहा है इसका मोबाइल इसको दे रहा है मतलब ये जो मोबाइल ऑफर ये है ऑफरर ये मोबाइल ऑफर कर रहा है इसको ये पैसा दे रहा है ये मतलब क्या हो गया एक्सेप्टेंस दिस वन इज ऑफरर दिस वन इज एक्सेप्टर ओके बा प्रॉमिसी दिस वन इज प्रॉमिसर दिस वन इज प्रॉमिसी ओके नेक्स्ट वन इज वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है देखो मैंने जब एग्रीमेंट बताया था तभी मैंने क्या बताया था व्हेन एन प्रॉमिस और सेट अप प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट व्हेन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट फिर से बोल रहा हूं व्हेन एग्रीमेंट का मतलब क्या था रे व्हेन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा तब भी हम लोग क्या बोलेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे मतलब व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट बट व्हेन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट समझ में आ रहा है क्लियर नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है थोड़ा सा सेक्शन इसमें पढ़ते हैं आजकल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे जब वॉइड एग्रीमेंट की बात आएगा तब हम पढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है देखो एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल वॉइड नहीं बोल रहा है वॉइडेबल मतलब एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू दैट इज एग्रीव्ड पार्टी सिंपल चीज ये बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक्सेप्ट हम दोनों ने एक एक्सेप्टेंस करवाया एक ऑफर करवाया एक्सेप्टेंस करवाया एग्रीमेंट बन गया जिस एग्रीमेंट में मैं खुश हूं मेरा सेकंड पार्टी खुश नहीं है तब एक वर्ड आएगा कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज व्हेन द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज नॉट सेम कंसेंट का मतलब कंसेंट CONSENT कंसेंट का मतलब क्या है द थिंग व्हिच इज रिकॉर्डेड इन आवर माइंड मैं कुछ सोच रहा हूं वो कुछ सोच रहा है तभी मेरा वैलिड एग्रीमेंट नहीं होएगा That one is voidable agreement. हम लोग पढ़ेंगे consent क्या होता है सोच लो मेरे पास तीन लैपटॉप इधर खड़ा है एक लैपटॉप डेल का है एक लेनोवो का है एक एप्पल का है मेरा दोस्त जब आ गया मैं बोला भाई मैं तुझे laptop, मेरा लैपटॉप बेचना चाहता हूँ तो वो बोलेगा भाई ओके कितना पैसा है रे मैं बोला भाई 10,000 दे दे एक लैपटॉप ले ले उसका दिमाग में चल रहा है एप्पल लैपटॉप वो सोच रहा है 10,000 दे देगा एप्पल लैपटॉप लेगा मेरा दिमाग में चल रहा है मैं उसको लेनोवो लैपटॉप भेजूंगा इसका मतलब my consent is Lenovo laptop, his consent is Apple laptop. That's when the confusion will arise. मैं सोच रहा हूँ Lenovo, वो सोच रहा है Apple. So consent of both parties difference. That's why it is called as voidable contract. मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरा पार्टी और कुछ सोच रहा है. That's why it is called as voidable contract. समझ में आ रहा है? Next one देखो हम लोग इधर देखेंगे क्या था? When offer plus acceptance, it becomes promise. When promise plus consideration, it become agreement. When agreement is enforceable by law, it is a contract. When agreement is not enforceable by law, it is a void agreement. फिर से बोल रहा हूँ. When offer plus acceptance, promise. Promise plus consideration, agreement. When agreement is enforceable by law, it is a contract. When agreement is not enforceable by law, then it is a void contract or void agreement. क्लियर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल एनफोर्सेबल का मतलब मुझे क्या मैंने एक एग्रीमेंट हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मुझे उसको मोबाइल देना मेरा कार देना पड़ेगा
वो मुझे 1 लाख रिटर्न करेगा। इसका मतलब वी हैव टू डू विथ कंप्लाई, मुझे कार उसको ही देना पड़ेगा, उसको मुझे 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा, बिकॉज अवर बोथ पार्टी प्रोमिस इज सेट ऑफ प्रोमिस। समझ में आ रहा है? क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एसेंशियल ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था आपको कि हमारा 7 मार्क का 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 7 × 4 = 28 का। इसमें से पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन देगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चार्ट, ये सब जो 10 चीज है क्या क्या है, फिर क्या क्या है, ये सब देखना पड़ेगा हमको। डिस्क्रिप्शन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं हम लोग। एसेंशियल ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 10 चीज चाहिए ही चाहिए। इफ एनी वन ऑफ दिस थिंग्स, इफ एनी वन ऑफ दिस कैन बी अवॉइडेड, मतलब ये 10 चीज से कोई भी एक भी चीज एब्सेंट है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। वेदर इट इज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट और इट इज एन वॉइडेबल एग्रीमेंट। फिर से बोल रहा हूं, इफ एनी वन ऑफ दिस 10 इज एब्सेंट, थोड़ा सा जूम आउट करवाता हूं, देखो देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो 10 चीज है एसेंशियल ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 10 चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर ये 10 में से कोई भी एक चीज मेरा एब्सेंट है, तभी हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कौन सा एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, एक्सेप्शन सब बाद में। अभी फंडामेंटल के लिए मुझे ये 10 चीज चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर मेरे पास ऑफर ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तभी मेरा क्या होगा, प्रॉमिस नहीं हो पाएगा। तो प्रॉमिस नहीं है तो कंसिडरेशन कितना भी हो, क्या हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, पहला हमारा क्या था रे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लॉफुल एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट। बस भी ऑफर एंड ही एक्सेप्टेंस ही नहीं है, पहले ऑफर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो पाएगा। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बा कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप मैंने बताया था, इफ एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरा एग्रीमेंट कोर्ट बोल रहा है कि ये ठीक है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है ठीक है, तुम्हारा कंसीडरेशन ठीक है, तब भी ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर दी एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोल रहा हूं, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। सो इट इज एन लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, हम एक चीज पढ़ेंगे इधर। सोच लो मेरा दोस्त, उसके साथी में मुझे बुलाया था कि भाई तू आना, मेरे को कार्ड लेने आया था इधर। मैंने बोला ओके भाई, पक्का आऊंगा तेरे साथी में, कुछ मेरा अर्जेंट काम रहेगा, मैं नहीं आ पाया। उसको पता चला, उसका शादी कब था रे, सोच लो 10th अक्टूबर में था। 11th अक्टूबर को वो मुझे कॉल किया, भाई तू बोला था पक्का आएगा, नहीं आया, मैं तेरे नाम पे एक स्यू करवाता हूँ, कोर्ट में जाके केस देता हूँ। कर पाएगा? बिकॉज इट इज नॉट एनी लीगल रिलेशनशिप, इट इज जस्ट इन सोशल रिलेशनशिप। मेरा दोस्त को मेरा शादी अटेंड करवाना था, मेरा अगर ना कर दिया तो मेरे नाम पे कोर्ट पे केस नहीं दे पाएगा। सोच लो, क्लियर? बट यही बात मैं बोल रहा हूँ, सोच लो मैं डीजे का बिजनेस कर रहा हूँ, ओके? उसका शादी है कब, 10th अक्टूबर को। वो मुझे बोला था भाई कितना एडवांस चाहिए, 5000। मैं बोला भाई तेरा एडवांस वडवांस क्या चाहिए, जब डीजे शादी खत्म होगा तब देखेंगे। अभी क्या होगा, मैंने 10 तारीख को मेरा डीजे लेके उधर नहीं गया, तभी 11 तारीख को नहीं, 10 तारीख का शाम को ही हो जाके मेरे नाम पे केस ठोक देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बिकॉज देयर फॉर्म्स एन लीगल रिलेशनशिप। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशनशिप, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिलेशनशिप, क्या होता है लीगल रिलेशनशिप। मैंने दोनों इंसिडेंट बताया, समझ में आया ना? अगर वो मेरे को शादी पे बुला रहा है, मैं हाँ बोल दिया, नहीं गया, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज देयर फॉर्म्स एन सोशल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ अप टू। बट उसको मैं बोला होगा कि मैं भाई तेरे शादी पे डीजे लाके दूंगा, तू डीजे मत ला, मेरा डीजे का बिजनेस है, मैं तुझे दे दूंगा। तब भी मैंने अगर नहीं गया, उस दिन शाम को ही मेरे नाम पे केस ठोक देगा वो। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट फॉर्म्स एन लीगल रिलेशनशिप।
लीगल रिलेशनशिप क्या होता है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे उसको. नेक्स्ट वन इज लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब मैंने बताया था कि भाई जो कंसिडरेशन होता है टू पार्टी का होता है. एक जो बी था उसको कार चाहिए, ए को पैसा चाहिए 1 लाख. फिर से बोल रहा हूँ, ए को बी को कार चाहिए, ए को पैसा चाहिए 1 लाख. सो द कंसिडरेशन ऑफ बी इज ए कार, कंसिडरेशन ऑफ ए इज रुपीज 1 लाख. सो द बोथ कंसिडरेशन इज लॉफुल कंसिडरेशन. कार भी एक लॉफुल चीज होना चाहिए, पैसा भी लॉफुल चीज होना चाहिए. मैं एक बिजनेसमैन किसको बताऊं, एक शूटर को बुलाऊंगा. तो एक काम कर, वो जो दोस्त है मेरा वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, उसको शूटिंग कर दे, मैं तुझे शूट कर दे, मैं तुझे 5,000 देता हूँ. देखो उसका कंसिडरेशन क्या है 5,000, मेरा कंसिडरेशन क्या है उसको शूट कर दे. पर जो मेरा कंसिडरेशन है उसको शूट कर दे, दिस इज नॉट एन लॉफुल कंसिडरेशन. ये लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं क्या होता, तू तेरा मोबाइल दे दे, मैं तुझको 5,000 दे रहा हूँ. दैट्स व्हाई फॉर्म्स इन लीगल कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन. बट व्हेन आई एम सेड टू माय एनिमी और सेम टू एन शूटर फॉर शूटिंग दैट पर्सन, इट डू नॉट फॉर्म्स एनी लीगल रिलेशनशिप, दैट इज इन लॉफुल कंसिडरेशन. तभी मेरा लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है लॉफुल कंसिडरेशन? किसी को फालतू में सूट करना, कुछ रिवेंज के लिए सूट करना अच्छा चीज नहीं होता है लॉ के हिसाब से. ये एकदम अच्छा चीज, लॉ के हिसाब से ये अच्छा चीज नहीं होता है. अगर तुम लोग ये करोगे तो तुम्हारे नाम पे क्या होगा? स्यू होगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. अगर उसने जाके मार दिया, अच्छे सुनो, क्यों लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, देखो उसने जाके उसको मार दिया. कल आया मुझे बताया, भाई तू 5,000 देने के लिए बोला था, दे दे. मैं बोला काहे को 5,000 दूंगा रे, मैं 5,000 नहीं दूंगा तुझे. तो जाके वो मुझे धमकी नहीं दे पाएगा कि तू 5,000 दे, नहीं तो मैं तेरे नाम पे जाके स्यू करूंगा. वो स्यू भी करे, कोर्ट उसको बोलेगा भाई तुझे ही फर्स्ट लोग हम अरेस्ट करते, क्योंकि तेरा जो कंसिडरेशन था दोनों का, तुम्हारा कंसिडरेशन ही वैलिड नहीं था. अगर कंसिडरेशन ही वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? So, lawful consideration is most important thing. Next one is capacity of party. Most important thing, capacity of party. Capacity of party में क्या आएगा कि भाई जो भी person business या any contract कर नहीं पाएगा, उसका कुछ है, कुछ person को छोड़ के all are allowed to do business और all are allowed to do contract. जैसे हम लोग एक example लेंगे, unsound mind और minor. Minor का क्या होता है थोड़ा अच्छे से देखो. एक minor रास्ते में चल के जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है. मैं उसको 5 रुपया का चॉकलेट दूंगा, उसको एग्रीमेंट के साइन करवा दूंगा, तू भाई एक काम कर, यू हैव टू पे ₹50 लाख फॉर दिस चॉकलेट, ऐसे लिख के उसका साइन करवा के छोड़ दूंगा. उसके नेक्स्ट डे उसके पापा को जाके दिखाऊंगा, भाई देख तुम्हारा बेटा ने मुझे वादा किया था, एक डेरी मिल्क दो, मैं आपको 5 लाख दूंगा. मैंने तो डेरी मिल्क दे दिया, अभी वो 5 लाख नहीं दे रहा है. मैं किसके साथ? तुम उसके पापा हो, उससे 5 लाख मुझे दो. मैं इसे नहीं बोल सकता, बिकॉज सम पर्संस आर Not able to entering into contract. सबके पास validity नहीं होता है, capacity नहीं होता है एक contract में enter करने के लिए. So some persons are there who have entering into contract. सबके पास contract के लिए entry करने के लिए नहीं होता है. कितने के पास होता है, किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता है, ये सब हम लोग थोड़ा अच्छे से discussion करा हुए हैं next onwards. Next most important is free consent. जैसे मैंने बोला भाई consent of both the parties must be same. मैंने सोचा था लेनोवो लैपटॉप भेजूंगा, वो मेरा दोस्त सोच रहा है मेरा एप्पल का लैपटॉप लेने के लिए. सो द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज नॉट सेम. मेरा कंसेंट लेनोवो पे है, उसका कंसेंट इधर है. अगर दोनों का कंसेंट डिफरेंट हो गया सो इट इज नॉट एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कंसेंट ऑफ फ्री कंसेंट नहीं है. मेरा कंसेंट किधर चल रहा है, इसका कंसेंट और किधर चल रहा है. फ्री कंसेंट का और एक एग्जाम्पल लूंगा. सोच लो मेरा एक दोस्त है, उसके पास 5,000 पड़ा है. मैं उसका एप्पल, एक नया वाला एप्पल स्मार्टफोन 11 लेके आया. मैं इसको फोन पकड़ लिया, उसके ऊपर एक गॉन रखा उसके दिमाग पे पास. उसको बोला एक साइन कर, आज से तेरा बाप फोन है, उसका कुछ अच्छा वाला फ्लैट है, तेरा फ्लैट आज से मेरे नाम से, अगर साइन कर नहीं तो ठोक दूंगा तुझे. अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा एट द टाइम फ्री कॉन्सेंट, वो थोड़ी ना बोलेगा कि भाई तेरे कैसे एग्रीमेंट कर दूंगा. एग्रीमेंट नहीं करेगा तो मर जाएगा, इसलिए क्या बोल रहा है, वो साइन मार दिया. पर पिछले तुम जब क्लेम करने के लिए जाओगे तब वो क्लेम कर सकता है कि एट द टाइम आई वाज, माय कंसेंट वाज नॉट फ्री बिकॉज द पर्सन इज होल्डिंग आउट अ गन इन माय हेड और इन माय पास. समझ में आ रहे हो क्या बोल रहा है? सो इसीलिए फॉर मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. अगर मेरा कंसेंट फ्री नहीं है
तभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप रहना चाहिए, कंसिडरेशन भी ठीक रहना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी ठीक रहना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, फ्री कंसेंट भी रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला था जब मैंने कार और पैसा का बात बोला था। सो कार को हम लोग क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होगा फिर दी। हम लोग सोचो एक बात, हम लोग जो एग्रीमेंट करवा रहे और कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे किसके लिए करवा रहे, वो कार के लिए करवा रहे। सो द कार इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लॉफुल। फिर से बोल रहा हूं अच्छे सुनो, क्या बोल रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैंने जब मेरा कंसिडरेशन क्या हुआ था रे, एग्रीमेंट कि तू मेरा कार ले लेगा, मुझसे 1 लाख देगा, तो मेरा जो एग्रीमेंट होने का रीजन क्या है, वो कार है। समझ में आ रहा है? So the car must be an lawful object. मैंने मेरे दोस्त को जब बोला था कि उसको सूट करवा दे, मैं तुझे 5,000 rupees देता हूँ। So the मैंने मेरा एग्रीमेंट क्यों बना था, उसको सूट करने लिए बना था। So I am suiting in person और मैं किसको सूट कर रहा हूँ, ये मेरा lawful object नहीं है। वो lawful object नहीं है तभी मेरा contract नहीं होगा। Clear? समझ में आ रहा है? So the object as well as consideration both must be lawful. और मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तू तेरा कार दे दे, मैं तुझे थोड़ा सा गांजा दे देता हूं 10 रुपया का, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि भाई तेरा ऑब्जेक्ट सही हो गया, तू उसको जो दे रहा है कंसीडरेशन वो तो सही नहीं है ना। सो द कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, दोनों लॉफुल होना चाहिए। मैं उसको कार दे रहा हूं, लॉफुल है। मैं उसको, वो मुझे पैसा दे रहा है, लॉफुल है। मैं उसको क्या किया, मरवाने के लिए 5,000 किसको दे दिया, मेरा पैसा लॉफुल है, कंसीडरेशन लॉफुल है, बट मेरा ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। उसको मैं बोल रहा हूँ मैं भाई तुझे पैसा दे रहा हूँ, तू मुझे गांजा दे दे, वो गांजा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, पर जो पैसा है वो लॉफुल कंसीडरेशन है। तो लॉफुल कंसीडरेशन और कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल एज वेल एज माय ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन आई विल गो फॉर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। हम लोग पढ़ेंगे वेदर कॉन्ट्रैक्ट में बी डन इन ओरल एज वेल एज वर्बल। हम लोग वर्बल भी बना सकते हैं, ओरल भी बना सकते हैं, पर जब हम लोग वर्बल पे बनाएंगे तभी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, सोच लो कुछ पंगा हो गया तो तुम कोर्ट में जाके तो नहीं बोल सकते भाई वो तू तो ऐसे बोला था। कोर्ट जो भी देखेगा रिटर्न डॉक्यूमेंट को देखेगा, तो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, कुछ भी होता है, तभी क्या करो, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन करवाओ। मतलब थोड़ा एक अच्छा वाला पेपर लो, स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर में ऑल थिंग्स मस्ट बी प्रिंटेड करेक्टली, डेट लिखो, नाम लिखो, 2-3 पर्सन को श्योरिटी के लिए लाके डालो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है रे, सर्टेनिटी मतलब एक ऐसा चीज होता है कि मैं एक सर्टेन पर्सन और सर्टेन चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करूं। सोचो जैसे एक चीज हुआ था, आपको पता होगा सत्यम कंप्यूटर्स नहीं सहारा का बिजनेस में हुआ था। जो सहारा का बिजनेस है, सहारा का ओनर कौन है, सहारा का ओनर जो था, तो उसने क्या करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, फेक पर्सन, उसके पास बहुत सारे ब्लैक मनी था, उसमें न्यू इक्विटी शेयर, उसको बोल दिया कि आप इक्विटी शेयर ला रहे हो, तो एंट्री क्या हो गया रे बिजनेस में, इक्विटी शेयर एंट्री। जब लाओगे कैश अकाउंट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, जब कैश उसको ला दिया, कैश बिजनेस में उसका ब्लैक मनी है, उसको कैश मतलब लीगल बना दिया, वैलिड बना दिया, व्हाइट मनी में बना दिया। और फालतू लोग का कोई भी, उसका मतलब ऐसे सोच लो कि उस टाइम का कोई भी पर्सन नहीं होता था, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद साहू, वो अपने नाम पे बना देगा दुर्गा प्रसाद पाढ़ी बोल के, कोई भी फालतू नाम का बना दिया, फालतू का आईडी प्रूफ बना दिया, उसके हिसाब से मेरे साथ एक एग्रीमेंट बना लिया। वो जो सुब्रत रॉय ने था वो सब काम किया था, इसलिए उसका जब पकड़ा गया तो ये बोला भाई तेरा तो दुर्गा प्रसाद पाढ़ी नाम का कोई नाम ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तू कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अच्छे से सुनो, जब उसको पता चला वो किधर गया, सेबी के लिए पास रजिस्ट्रेशन के लिए गया, तभी सेबी ने बोला तू किसके साथ एग्री, purchasing of an equity sir bond is also an agreement, is it, it is an contract। तो बोला भाई तेरे पास तो दुर्गा प्रसाद पाढ़ी नाम का ऑल इंडिया पे कोई बंदा नहीं है, तू उसके साथ कैसे कर लिया एग्रीमेंट, the person is not certain, that's why हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ पर्सन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं एक मेरा दोस्त है उसको बोलूंगा तू मुझे 5,000 दे,
रात को एक काम करता हूँ, चांद को लाके तेरे पास छोड़ देता हूँ। नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ रहा है? तभी मैं बोलूंगा 5,000 दे तू, मैं तुझको चांद में आके लेता हूँ। वो सुबह जाएगा कोर्ट में, केस डालेगा कि मेरा दोस्त बोला था 5,000 दो, चांद लाएगा, मैं तुझको 5,000 दे दिया था, कोर्ट मेरा चांद रात में नहीं लाया। बिकॉज इट इज नॉट एन पॉसिबल, ये करना ही संभव नहीं है। इट इज नॉट एन पॉसिबल इवेंट, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है, अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? If it the performance is possible, भाई तेरा performance ही possible नहीं है, impossible event है, तो तू कैसे कर पाएगा? हम लोग उसको valid contract कभी नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है possibility of performance? Because the event of that contract is an impossible event, so वो कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? Last point is not expressly declared void, मतलब एक ऐसा कुछ चीज हम लोग बनाए, उसका section है, बाद में पढ़ेंगे। 25, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे सेक्शन से, 58 का है, एजेंट का है, बहुत सारे सेक्शन आप लोग पढ़ेंगे। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये बोल रहा है कि भाई कुछ जो एग्रीमेंट है मैं उसको वॉइड बोल दिया हूं। कहां बोल दिया हूं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल दिया कि अगर तू अगर ये सब काम कर रहा है तो पक्का वॉइड है। तू बोलेगा भाई मैंने तो ये सब नहीं पढ़ा था, तू नहीं पढ़ना है तो तेरा गलती है। ये कुछ चीज बोल दिया कि अगर ये काम आप लोग कर रहे हो तो वो पक्का वॉइड है। जैसे सोच लो एक पब्लिक में एक अच्छा वाला किधर एक क्या करना, एक ट्री खड़ा है। अगर मेरे बिजनेस या मेरे घर का साइड में एक ट्री खड़ा है, अगर मैं उसको काट रहा हूं वो तो लीगली अप्रूव है। अगर एक पब्लिक प्लेस में एक ट्री खड़ा है, पब्लिक प्लेस में एक पोल खड़ा है, तुम जाके उसको उठा के तुम्हारे घर पे ला दोगे तो इट इज एन इम्पॉसिबल, मतलब इट इज एन एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट है। तुम बोलोगे सर मेरे घर का जब ट्री काटता हूं तभी वैलिड होता है, जब बाहर एक ट्री खड़ा है और पोल खड़ा है तभी मैं जब उसको उठाता हूं वो क्यों इनवॉइड हो गया? कि ये भाई बोल दिया इफ एनी डिस्टर्बेंस और एनी रेमेडीज डन विथ पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक प्रॉपर्टी इट विल बी एन डिक्लेयर्ड वॉइड। वो बोल रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके अगर तू कुछ भी एग्रीमेंट कर रहा है तो तेरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तुम बोलोगे सर वो जो पोल किसके पैसे से खड़ा है? मैं तो टैक्स दिया था, मेरे पैसा से खड़ा है, ये तो पब्लिक चीज है, मैं जहां भी उठा सकता हूँ, ये तो पब्लिक का चीज है ना, मेरा है, आपका है, उनका है, मोदी जी का है, नवीन पटनायक जी का है, सबका है, जो भी चाहे उसको यूज कर सकता है। नहीं भाई, तू पब्लिक चीज को लेके कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब वो बोल रहा है वॉइड है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब ये जो पांच चीज है, ये पांच चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। ये अगर पांच चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया इट इज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, ये क्या बोल रहा है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब यहां जो पांच चीज वो बोलेगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या है पांच चीज, ये पांच चीज अगर इसमें आ गया, कहां से भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, सो इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट और इट इज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब ये पांच चीज यहां आना नहीं चाहिए। अगर ये पांच चीज से कोई भी चीज इधर मेरा ऊपर आ रहा है तब भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। फटाफट ओवरलुक करवाते हैं क्या क्या बोल रहा है ये देखो। पहला बोल रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेरा बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता है, फिर भी हमको क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लेना पड़ता है। सोच लो मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूं, मेरा मोबाइल गिर गया किधर, अच्छे सुनो, मेरा मोबाइल गिर गया किधर, एक दोस्त यार कोई भी आदमी कुछ उठा लिया, मुझे फोन किया कि भाई तू एक काम कर 5,000 दे दे, मैं तेरा मोबाइल दे दूंगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई सही है, तू इधर आ पहले, मैं तुझे 5,000 नहीं 10,000 देता हूँ। वो मेरे पास आ गया, मैं मोबाइल उसको तोड़ पकड़ के रख लिया। वो बोला कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम, तेरा मोबाइल किधर गिर गया था, मैं ला के तुझे दे रहा हूँ, तू कैसे बोल रहा है? मैं तुझे नहीं दूंगा, फिर तेरा मोबाइल है, तेरा पासवर्ड है, तेरा पासपोर्ट है, सब है, तेरा मोबाइल है, मुझे भी पता है, पर मैं तुझे नहीं दूंगा, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया था क्या? मैं तेरा मोबाइल उठा के लाऊंगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट में, इसमें ही आएगा। अगर तू मेरा कुछ गिर गया चीज उठा रहा है, देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, यू हैव टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट टू मी। क्या बोले? अच्छे सुनो, अगर मेरा कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, वो लॉस्ट तुझे मिल गया, तू उठा लिया, तभी ना ऑफर चाहिए, ना एक्सेप्टेंस, ना ये लीगल रिलेशन चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी चाहिए, कंसीडरेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर तू तेरा मेरा लॉस्ट प्रोडक्ट को तू उठा लिया,
the agreement will be automatically formed between me and you for forming and consideration. हम दोनों के बीच में एक automatically agreement हो गया. हमको क्या करना पड़ेगा? Your it is duty, obligation and lawful obligation to return that product to me. तुझे क्या करना पड़ेगा? वो product को मुझे return करवाना ही करवाना पड़ेगा. अगर तू मेरा product return नहीं करवाया तो मैं तेरे नाम पे स्यू करवा दूंगा. तू नहीं बोलोगे कि तब भाई तेरे मेरे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था. अगर तेरे मेरे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो उस प्रोडक्ट को टच क्यों किया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. एक चीज पढ़ेंगे, क्वांटम मेरिट. आप सुने नहीं होंगे कभी क्वांटम मेरिट. सोच लो मैंने घर को पूरा क्या के लिए, कलर के लिए दिया था. पूरा रूम को कितने में कंप्लीट करवा? मैं बोला था भाई तू ये पूरा काम करवा कंप्लीट, मैं तुझे 5,000 देता हूं. वो कल आया, मैं उसको क्या बोला था, अरे तू भाई ये पूरा काम कर देना कल सुबह. जब कल सुबह आया मैंने देखा कि भाई ये तो पूरा तीन हो गया, एक ही कमरा का एक ही वॉल बचा हुआ है. मैं उसको बोलूंगा तुझे क्या बोला था रे पूरा काम करने के लिए, तू तो पूरा काम नहीं किया, तीन काम किया, एक कांथा एक वॉल अभी भी मतलब पेंट नहीं हुआ है, बाकी है. तो काम कर, हट इधर से, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा. नहीं बोल पाऊंगा. क्वांटम मेरिट बोल रहा है तेरा पूरा घर के लिए 4 वॉल होता है. अगर 4 वॉल के लिए 5,000 होता है, 1 वॉल के लिए 1250 होता है, 3 वॉल के लिए 3750 होता है, 3750 उसको दे दे, क्योंकि क्वांटम मेरिट तेरा डिवाइड करना पड़ेगा. ये एकदम सही चीज है, एकदम इंटरेस्टिंग चीज है. हम आगे एकदम इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है? फिलहाल अभी ये 10 चीज थोड़ा सा देख लो, आगे हम बहुत सारे चीज पढ़ेंगे. फटाफट बोलता हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए, लीगल रिलेशनशिप चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब इट मस्ट बी कैपेसिटी टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए. नेक्स्ट वन फ्री कंसेंट, द कंसेंट मस्ट बी फ्री. उसका कंसेंट अगर फ्री नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. मैंने जैसे बोला था वेदर कार का ले लो और कुछ नॉर्मल बिजनेस का ले लो, अगर वो मेरा ऑब्जेक्टिव सही है नहीं मेरा बिजनेस का, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, राइटिंग मतलब ये बोल रहा है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम राइटिंग करो, बट ओरल में भी एन कॉन्ट्रैक्ट, तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तुम कोर्ट में जाके उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब नीचे जो 5 कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 5 ऊपर कहीं नहीं आना चाहिए. वो 5 को लेके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, मतलब ये 5 जो हम लोग एक्सप्रेसली बताए वो सब चीज होना नहीं चाहिए. अगर हो रहा है तो तभी क्या होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो हम लोग आज इतना तक पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होता है, लीगल रिलेशनशिप होता है, एक एक वर्ड को हम लोग लॉफुली डिस्कशन करेंगे. फिर ऑफर का एक चैप्टर होगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का एक चैप्टर होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होगा, कंसिडरेशन का होगा, सबका एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. ओके, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन सोच लो, मेरे पापा एक थे, मेरे पापा ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट करवाया कि आज से ये जो घर है तेरे नाम पे, और एक जो घर है छोटा वाला घर मेरा भाई के नाम पे. तभी कल मेरा पापा के लिए और मेरा छोटा भाई आएगा, भाई तूने तो जब घर हम लोग ट्रांसफर किए थे तूने तो पापा को कुछ पैसा नहीं दिया था, इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बोल देगा? नहीं बोल पाएगा. क्यों नहीं बोल पाएगा? कंसिडरेशन में एक बात आएगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सम एक्सेप्शन आर देयर. वो सब चीज एकदम आगे आगे हम लोग एकदम प्रैक्टिकली अप्रोच में पढ़ेंगे. ओके, फिलहाल मैं चाहता हूँ इतना तक आप लोग घर पे पढ़ के आओ. अगर कुछ डाउट है तो मैसेज करके या कॉल करके बताओ, पता करो. फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.